वेलकम टू माय गुरुजी स्क्वाड चैनल। मैं अनु तनेजा, आपकी मैथमेटिक्स टीचर। और हमने स्टार्ट किया था सॉल्व करना सपोर्टिंग मटेरियल को। मैंने पहले ही ऑलरेडी बताया कि सपोर्टिंग मटेरियल कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर क्वेश्चंस की फॉर्म पता चलती है। कॉन्सेप्ट तो हमारे क्लियर होते हैं, लेकिन व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल अराइज इन द एग्जाम्स, अराइज इन द टेस्ट ऑफ योर स्कूल, वो सब चीजें हम यहाँ पे सीखते हैं। और सेकेंड थिंग, उनको सॉल्व कैसे करना है वो भी सॉल्व करना मैं सिखा रही हूँ आपको। चलिए शुरू करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 26 तक कवर कर लिए थे, आज हमने करना है क्वेश्चन नंबर 27 से। अब इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ चीजें हैं जो मैं बताऊंगी, जो हर क्वेश्चन में काम आने वाली है। सबसे पहले तो हम कोई भी रूट वाला क्वेश्चन आ जाए, उसमें सबसे पहले हम रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। कहने का मतलब है रूट 125, रूट 125 can be solved and written as root 5 multiply 5 multiply 5 and then 5 root 5. So हम पहले उसे solve करेंगे, then question को solve करना शुरू करेंगे। समझ में आई ये बात? question करेंगे तो और ज्यादा clear होगा। next thing is, जहां पर हमारा root में लगता है like terms वाला rule। अब ये क्या rule है? ये rule ये है कि भाई x में सिर्फ x ही add हो सकता है, x में सिर्फ x ही add हो सकता है। तो इसी तरीके से रूट टू में सिर्फ रूट टू ही ऐड हो सकता। सेम फॉर दी सब्ट्रैक्शन, रूट टू में रूट टू से सिर्फ रूट टू ही सब्ट्रैक्ट हो सकता। आई ये बात समझ में? नेक्स्ट मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन हो सकती है किस किस की? रूट टू और रूट थ्री की भी हो सकती है, किसी भी रूट की हो सकती है, लेकिन एडिशन और सब्ट्रैक्शन में नहीं होती। सेम विद डिवीजन, डिवीजन भी हो सकती है। क्लियर है ये बात? जब हम क्वेश्चन करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन में कह रहा है डू एज डायरेक्टेड, कहने का मतलब है जो कह रखा है वही करो। एडिशन तो एडिशन कर दो, सब्ट्रैक्शन तो सब्ट्रैक्शन कर दो, मल्टीप्लिकेशन कर दो, डिवीजन कर दो। स्टार्ट करते हैं पहले पार्ट से। पहला पार्ट हमें कह रहा है ऐड करो किसे? रूट 125 प्लस रूट 27 प्लस, इसमें ऐड करना है किसे? माइनस 5 root 5 माइनस √3 को। आई ये बात समझ में? क्वेश्चन क्लियर हुआ? इसको ऐड करना था इसमें, क्लियर? अब पहला स्टेप क्या बताया था? सबसे पहले क्या करेंगे? रूट को सिंप्लीफाई। यहाँ पे देखिए 125, अब 125 को सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 5 multiply 5 multiply 5, यही होगा? नहीं होगा, चेक कर लें। क्या करते हैं? फैक्टर्स बनाते हैं इसी तरीके से। 5 पे कह रहा था 25, देन 5, देन अगेन 5, आ रहा है यही। इसी तरीके से नेक्स्ट जो कि है रूट 27, 27 को क्या लिख सकते हैं? 3 multiply 3 multiply 3, डन ये भी। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, देन अगेन प्लस माइनस माइनस, सेम का सेम। ये सेम क्यों लिखा गया? क्योंकि 5 आगे सॉल्व नहीं हो सकता, 3 भी आगे सॉल्व नहीं हो सकता। क्लियर है ये चीज? नाउ नेक्स्ट स्टेप, पेयर बन रहा है, 5 और 5 का पेयर बन रहा है। जब पेयर रूट के अंदर होते हैं तो वो पेयर रहते हैं, लेकिन जब उनको हम रूट के बाहर निकाल देते हैं तो वो सिंगल टर्म बन जाते हैं। तो 2 5 है बाहर आके, 1 5 बचेगा, और जो 1 5 अंदर रह गया वो अंदर ही रह जाएगा। हमें पेयर को बाहर निकालना था। ऐसे ही इसमें करेंगे, क्या होगा इसमें? 3 1 बाहर और अकेले वाला अंदर। नाउ नेक्स्ट सेम का सेम लिख देंगे। अब देखिए लाइक टर्म्स कौन कौन सी है? रूट 5 वाली ये दोनों है, दिख रहा है? नाउ 5 root 5 माइनस 5 root 5 खत्म, कैंसिल आउट। नाउ 3 root 3 माइनस √3, √3 का मतलब क्या है? वो अकेला है और यहाँ पे 3 root 3 है। 3 root 3 में से 1 root 3 को हटा दिया, सिंपली 2 root 3 एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हुई ये बात? श्योर हो? चलो इसको नोट डाउन करो, सेकेंड पार्ट करते हैं। लेट्स मूव टू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में भी हमें करनी है एडिशन। देखिएगा किसकी एडिशन है? रूट 7
माइनस √11, इसमें ऐड करना है हमें √5 माइनस √11, √5 माइनस √11 प्लस √13। ये क्वेश्चन, सबसे पहले तो देखिए क्या कोई रूट सॉल्व हो सकती है? 7 के फैक्टर्स बन सकते हैं? नहीं, 11 के नहीं, 5 के नहीं, 11 के नहीं, 13 के नहीं, कोई भी रूट सॉल्व नहीं हो रही। अब क्या करेंगे, इसको सिंपली सॉल्व करेंगे। अब देखिए लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ है, 7 के साथ कोई लाइक टर्म है? 7 है कोई और? नहीं है, तो इसको लिख देंगे एज इट इज। ओके नाउ 11 के साथ है? हाँ है, ये रही। देखो अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। 1 √11 प्लस 1 √11 इज 2 √11, 2 √11 लिख दिया। नाउ साइन किसका आएगा, नेगेटिव का। देन √5 के साथ कोई टर्म है? नहीं है, एज इट इज लिख दो। √13 के साथ कोई टर्म है? नहीं है, एज इट इज लिख दो। अब क्या करें, कुछ हो रहा है? हो ही नहीं रहा, तो ये क्या हो गया तुम्हारा आंसर। जल्दी से नोट डाउन कीजिए इसे। नाउ मूव टू द थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट इज सेइंग मल्टीप्लाई 2 √2 by 5 √2। थर्ड पार्ट मल्टीप्लाई करना है 2 √2 को 5 √2 से। सिंपलेस्ट क्वेश्चन, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं यहाँ इस क्वेश्चन में सीखिएगा। देखिए जो तो बाहर होता है, रूट के बाहर, उसको सिंपली अलग से सॉल्व करेंगे। 2 5 10 लिख दिया। देन √2 multiply √2, 2 times √2 आ गया, तो क्या हो जाता है वो 2 multiply 2, और 2 2 जा, सॉरी पेयर में आ गया, ये पेयर में आ गया, तो क्या हो जाएगा, बाहर आके अकेला 10 था, ये बाहर आ गया अकेला हो गया, 10 2 जा 20। दिस इज आवर आंसर। देखिए कितना सिंपल था, मल्टीप्लीकेशन कैसे करना होता है समझ में आ गया आपको। अब इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट पार्ट में भी हमें करना है मल्टीप्लाई। किसे मल्टीप्लाई करना है? -3 + √5 को 3 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन ही डाल देता है सीधा, ठीक है। अब देखिए मल्टीप्लाई कैसे होगा, ब्रैकेट में है ये दोनों चीजें, ये अकेला है, कैसे होगा, जो ब्रैकेट की पहली टर्म है उसको बाहर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। हमने पहले डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज पढ़ रखी है इसकी, कैसे होता है 3 को -3 से मल्टीप्लाई कर दिया। देन जो साइन बीच में हो वही आता है, 3 को √5 से, तो क्या बन जाएगा वो 3 √5। यहाँ पे देखिए 3 को 3 से किया 9, साइन क्या आएगा, नेगेटिव का प्लस 3 √5। इसके आगे सॉल्व हो रहा नहीं हो रहा, तो ये क्या है हमारा आंसर। जल्दी से पॉज कीजिए वीडियो और नोट डाउन कीजिए इसे। डन, नाउ लेट्स मूव टू दी फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में हमें डिवाइड करना है 7 √5 को -14 √125 से। अब हमने 125 को सॉल्व करना सीख लिया। अब देखना कैसे करूंगी मैम, हम क्या करेंगे, इसको एज इट इज रखते जाएंगे, लेकिन पहले रूट को सिंप्लीफाई कर लेंगे। -14 एज इट इज रहेगा, और √125 हमने सीख लिया है क्या होता है, 5 √5 मल्टीप्लाई 5 √5, ठीक है, बिल्कुल यहां तक। चलिए नेक्स्ट पार्ट में भी सेम रख देंगे, सॉल्व करेंगे ना पूरा, क्या होगा 14 5 70 -70 √5, डन यहां तक। नाउ हम इसको अब डिवाइड की टर्म में लिखेंगे, 7 √5 / -70 √5। देखिए कितना सिंपल हो गया, √5 से √5 कैंसिल आउट, -7 / 70 -1 / 10। दिस इज योर आंसर। नेगेटिव नीचे होता है तो हमें उसे ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर ही लिखना चाहिए, -1 / 10 इज दी आंसर। इजी था, पहले हमने रूट को सॉल्व कर दिया, सिंप्लीफाई कर दिया, देन उसको डिवाइड की टर्म में रखा और उसको डिवाइड कर दिया। जल्दी से नोट डाउन कीजिए।
नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन द सिक्स्थ पार्ट दैट इज ऑल्सो ऑफ डिवीजन. हमें डिवाइड करना है टू रूट 216, टू रूट 216 को किससे करना है? नहीं, -3 रूट 27 भी है, इसको डिवाइड करना है 3 से. अब 3 तो सिंपलीफाई होगा नहीं, सिंपलीफाई तो ये चीजें होंगी. 216 216 इज 6 मल्टीप्लाई बाय 6 मल्टीप्लाई बाय 6 करके देख लेते हैं. 6 यहाँ पे आएगा, 36, देन 6, देन 6 एंड देन 1. इस तरीके से करके देखते हैं. 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6, इसको लिख दूं 6 6 6, कोई दिक्कत नहीं. नाउ नेक्स्ट, -3 रूट 27, हमें पता है 27 को हम 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 लिखते हैं. सिंपलीफाई हो गया यहाँ तक, इसको लिख देंगे एज इट इज. डन. नाउ पेयर है, 12 जाएगा, 6 बार आया, 6 2 12, अंदर 6 बचा. नाउ पेयर है, 3 बार आया, 3 3 9 9, और अकेले वाला अंदर बाय 3. नाउ हम देखेंगे कि क्या इन दोनों में से हम कुछ ऐसी चीज है जिसको कॉमन ले सकते हैं. देखिए 12 रूट 6 और 9 रूट 3, रूट को भूल जाओ, बाहर वाली टर्म देखो, 12 और 9, ऐसे कौन सा टेबल है जिसपे 12 और 9 दोनों जाते हैं? 3, राइट. नाउ 3 को ले लेंगे कॉमन, कॉमन का मतलब है 12 में से 3 को हटा दिया, माइनस नहीं किया, हमने उसका फैक्टर हटा दिया. 12 को हम 3 मल्टीप्लाई 4 लिखते हैं ना, तो हमने 3 को बाहर ले लिया, तो अंदर क्या बचा? 4, और रूट तो एज इट इज रहेगा. 9 को लिखते हैं 3 मल्टीप्लाई 3, इसमें से 1 3 मैंने बाहर ले लिया, तो अंदर बचा 1 3, रूट एज इट इज, और ये डिवाइड हो रहा है 3 से. क्लियर ये बात? अब इसको डिवाइड की टर्म में लिखो, 3 4 रूट 6 माइनस 3 रूट 3 अपॉन 3. देखो कितना इजी हो गया, 3 से 3 कैंसिल आउट, योर आंसर इज 4 रूट 6 माइनस 3 रूट 3. इजी था. एक बार रिसाइट करते हैं, क्या किया पहले, रूट को सॉल्व किया, इधर भी रूट को सॉल्व किया, देन सॉल्व करने के बाद क्या किया, कॉमन लिया, कॉमन करने के बाद हमने सिंपली डिवाइड कर दिया, और हमें मिल गया हमारा आंसर. जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए. देन नाउ वी आर मूविंग टू द क्वेश्चन नंबर 28. क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 28? सिंपलीफाई करना. सिंपली क्या करना है इसे, सिंपलीफाई. देखिए पहला पार्ट क्या है, पहला पार्ट है हमारे पास 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3. जिन बच्चों ने आइडेंटिटीज पढ़ रखी है चैप्टर 1 में, जो एनसीईआरटी में आइडेंटिटीज थी, वो ये क्वेश्चन बहुत आराम से कर लेंगे. जिन्होंने नहीं पढ़ी वो ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे सारा करवाऊंगी. क्या है पहला पार्ट, 2 रूट 2 प्लस 3 रूट 3. ब्रैकेट में, देन ब्रैकेट में अगले ब्रैकेट में है 2 रूट 2 माइनस 3 रूट 3. अब जिन्होंने आइडेंटिटी पढ़ी है उन्हें पता है कि यहाँ पे सेम है, ये सेम है दोनों, है ना, यहाँ पे ये सेम है, यहाँ पे ये सेम है, ये इसके सेम है, एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है. तो यहाँ पर आइडेंटिटी लगती है ए प्लस बी ब्रैकेट में, ए माइनस बी ब्रैकेट में, और ये इक्वल होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के. ये होती है आइडेंटिटी. क्लियर है? नाउ यहाँ पर ए की वैल्यू क्या है, देखिए कंपेयर कीजिए, ए की जगह पे क्या आ रहा है, 2 रूट 2. तो यहाँ पे अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो क्या करेंगे, सबसे पहले 2 रूट 2 का स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, अकेला नहीं है ये, 2 भी है √2 भी है, इसलिए ब्रैकेट लगाएंगे. नाउ नेक्स्ट बी कौन है, 3 रूट 3, बीच में क्या आ रहा है माइनस, तो यहाँ पे लगा माइनस 3 रूट 3 स्क्वायर, यहाँ पे भी मैं ब्रैकेट लगाऊंगी क्योंकि यहाँ पे दो चीजें हैं, 3 और √3. अब जब ब्रैकेट लगता है तो दोनों चीजों का स्क्वायर होता है, तो 2 का स्क्वायर होगा पहले 4, देन √2 का स्क्वायर, वी ऑल नो इज 2. इसको रख दो यहीं पे,
नाउ माइनस 3 का स्क्वायर 9 मल्टीप्लाई रूट 3 का स्क्वायर 3 धन यहां तक। नाउ 4 टू जा 8 माइनस 9 थ्री जा 27। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा -19। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। अगर आपको आइडेंटिटी पता हो तो, जिसे आइडेंटिटी याद नहीं होगी, पता नहीं होगा कि करना है क्या है क्वेश्चन में, वो तो मल्टीप्लाई करता रह जाएगा। ध्यान से नोट डाउन कीजिए, यहाँ पे लिख देना यूजिंग दिस आइडेंटिटी वी हैव सॉल्व दिस क्वेश्चन, ऐसे लिख दो या फिर ब्रैकेट में लिख दो साइड में यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? ये वाली। ठीक है, इसको नोट डाउन करो जल्दी से। हो गया, चलिए हम बढ़ते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है 2√8 माइनस 3√2 का स्क्वायर। आप बच्चों को पता है, आपको पता है कि यहाँ पे ना एक आइडेंटिटी दिखती नजर आ रही है, क्या? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। बट हमें ये भी तो पता है कि अनु मैम ने स्टार्टिंग में क्या बोला था कि हम पहले रूट को सिंप्लीफाई करेंगे। तो देखिए √8 को कीजिए सिंप्लीफाई। क्या होता है √8? देखिए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यही होगा। नाउ अब यहाँ पे पुट करते हैं इसे, -3√2 एज इट इज और स्क्वायर भी एज इट इज। अब देखिए पेयर जो था 2 2 का बाहर आ गया, बचा 1, 2 2 4 हो गया, अकेला अंदर बच गया। क्लियर? नेक्स्ट 3√2। अब देखिए यहाँ भी √2, यहाँ भी √2, सब्ट्रैक्ट कर सकती हूँ। 4√2 माइनस 3√2 इज 1√2 का स्क्वायर। अब हमें पता है √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2। हो गया आंसर हमारा, कोई दिक्कत नहीं हुई, कोई आइडेंटिटी लगाने की नींद नहीं पड़ी। अगर हमारे पास प्रेजेंस ऑफ माइंड है, हमें याद है कि हमें क्या करना था, सबसे पहले क्या करना था हमें, रूट को सिंप्लीफाई। क्लियर है ये बात? इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए हम अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट पे, जो कि है √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर। √7 प्लस √6 का होल स्क्वायर, ये है हमारे पास। नाउ क्या होगा यहाँ पे, √7 सॉल्व नहीं हो सकता, √6 सॉल्व नहीं हो सकता, तो यहाँ लगेगी अब आइडेंटिटी। कौन सी आइडेंटिटी? जिसे नहीं पता वो ध्यान से देखेगा, ए बी प्लस हो रहे हैं और उनका स्क्वायर हो रहा है, तो आइडेंटिटी बनती है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और इसको जब ओपन अप करते हैं, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे है रूट, यहाँ पे भी है रूट, यहाँ पे हम इसके बजाय ना ये आइडेंटिटी लगा सकते हैं डायरेक्ट, √a प्लस √b का होल स्क्वायर, है ना। अब ये इक्वल होगा ए प्लस बी प्लस 2√ab के, ए प्लस बी प्लस 2√ab। देखिएगा अब ए की जगह क्या आ रहा है, कंपेयर कीजिए, रूट रूट, ए की जगह क्या आ रहा है 7 और यहाँ पे बी की जगह 6। सॉल्व करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे ए की जगह 7, बी की जगह 6 प्लस 2, ए की जगह 7, बी की जगह 6, ए बी का मतलब वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 7 प्लस 6 13, प्लस 7 6 42। देन ये क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। अब आपके माइंड में आ रहा होगा, मैम √42 को तो हमने सॉल्व नहीं किया, ये भी तो आगे सॉल्व हो सकता है, तो ध्यान से देखना ये सॉल्व क्यों नहीं हो सकता। देखिए हम फैक्टर्स बना रहे हैं इसके, सॉरी, देखिए क्या फैक्टर्स बने, 2 3 एंड 7। कोई पेयर बन रहा है? नहीं बन रहा। कुछ बाहर आएगा? नहीं आएगा, तो इसको सॉल्व क्यों करना, इसको एज इट इज रखेंगे। आया समझ में? क्यों नहीं किया आगे तक सॉल्व? तो ये हो गया हमारा आंसर। ध्यान
जल्दी से पोज कीजिए वीडियो और नोट डाउन कीजिए आइडेंटिटी के साथ। नाउ लेट्स मूव टू दी फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है 6 माइनस रूट 2 2 प्लस रूट 3। अरे यहाँ तो कोई आइडेंटिटी नहीं बन रही, यहाँ तो कुछ सिंप्लीफाई ही नहीं हो रहा। अब क्या करें? कुछ नहीं करेंगे, अब हमारे लगेगी सिंपल मल्टीप्लीकेशन, ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन। क्या होती है ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन? इस पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 6 को पहले 2 से, देन 6 को रूट 3 से। पहला स्टेप ये, देखिएगा 6 2 12 डायरेक्ट लिख दू, फिर भी यहाँ ब्रैकेट में होता है वो, प्लस 6 को रूट 3 से किया 6 रूट 3, खत्म। नाउ -√2 को 2 से किया, अब नेक्स्ट आ गया हमारे पास -√2। -√2 को √2 से किया, सॉरी -√2 को 2 से किया -2√2, ठीक है। नाउ -√2 को +√3 से किया, √2 × √3 √6, और प्लस माइनस माइनस -√6। अब देखिए यहाँ पे 12 किसी के साथ एड सब्ट्रैक्ट नहीं हो रहा, √3 किसी के साथ नहीं हो रहा, √2 किसी के साथ नहीं हो रहा, √6 किसी के साथ नहीं हो रहा, तो ये क्या है हमारा आंसर? क्लियर है ये बात? इसको नोट डाउन कीजिए। क्या किया? सिंपल ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन, कीजिए नोट डाउन इसे। तो हमारा अब क्वेश्चन नंबर 29 है पावर एंड एक्सपोनेंट्स के ऊपर। अभी इस क्वेश्चन को देख के घबराहट हो रही होगी कि मैम 2 की 38 सॉल्व करेंगे बैठ के, 2 की 37 सॉल्व करेंगे। चलो 2 की 5 तक तो वी कैन डू, 2 की 6 भी हो जाएगी, बट इतना ज्यादा कैसे करें? तो देखिएगा ये इस टाइप के क्वेश्चंस इस तरीके से सॉल्व किए जाते हैं। तो देखिए आराम से, ऊपर है 2 की पावर 38, फिर 37, फिर 36। सबसे छोटी पावर कौन सी है? 36। तो क्या मैं 2 की 36 को कॉमन ले सकती हूँ? 38 है तो 38 में से 36 तो मैं निकाल सकती हूँ ना, 37 में से भी 36 निकाल सकती हूँ, और 36 में से भी 36 निकाल सकती हूँ। तो क्या करूंगी? 2 की पावर 36 में ले लूंगी कॉमन। अंदर क्या बचेगा? जब 38 पावर थी और 36 पावर बाहर आ गई, तो बचा कितनी? 2 पावर। सिर्फ 2 नहीं बचेगा, 2 का स्क्वायर बचेगा, क्योंकि पावर कॉमन लिया हमने, ठीक है। नाउ 37 में से आई तो 2, देन 36 में आई तो कुछ भी नहीं बचा। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं? 0 लिख देते हैं। बच्चे 0 नहीं आता, यहाँ पे आता है 1। 1 आ गया, हो गया ये क्लियर। नाउ इसी तरीके से नीचे 39, 38, 37। Now, what we can do? We can take common 2 की पावर 37। 2 की पावर 37, 39 में से 37 बाहर आया, 2 बचेगा। ऐसे ही 38 में से 37 बाहर आया, 1 बचेगा। और 37 का 37 बाहर आ गया, तो बताया अभी क्या बचता है? 1 बचता है। अब देखिएगा ध्यान से, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1, 2 स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 सेम है ये, कैंसिल कर सकती हूँ इसे, देखिए खत्म। अब देखिए यहाँ पे 2 की पावर 36, 2 की पावर 37 डिवाइड में पावर है, बेस सेम है, क्या होगा? सब्ट्रैक्ट। क्या बचेगा? 2 की पावर -1, एंड वी ऑल नो 2 की पावर -1 को हम रेसिप्रोकल करके 1/2 लिख सकते हैं। नेगेटिव की पावर को पॉजिटिव करने के लिए हम क्या करते हैं? उसका रेसिप्रोकल। ये आया समझ में किस तरीके से? देखा क्या कितनी ताकत है हम, कि हम पावर्स को कितनी आसानी से सॉल्व कर पा रहे हैं। क्लियर है ये चीज? ठीक है, इसको नोट डाउन कीजिए, नेक्स्ट पार्ट पे मूव करते हैं हम। देखिए हमारा सेकंड पार्ट क्या है, 64 की पावर 1/2, उसकी पावर 1/6, फिर उसका स्क्वायर। देखिए कितनी सारी पावर सॉल्व करनी पड़ेगी, लेकिन हमारे पास, हमें इसकी ट्रिक पता है, हमने पढ़ रखा है एनसीईआरटी में कि क्या होता है ऐसे में, सारी पावर्स आपस में क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई। तो क्या करेंगे हम? मल्टीप्लाई कर देते हैं 1/2, उधर मत करो, अलग से कर दो ताकि होश पोश ना हो। 1/2, 1/6, 2, 2 से 2,
कैंसिल आउट, व्हाट विल द आंसर? 1/6। अब पावर पहले 3 थी, अब बच गई 1, क्या करना है? 64 की पावर 1/6। अब ऐसा जब आ जाए, डिवाइड में पावर आ जाए, तो हम देखते हैं कि 64 किसकी पावर 6 बनेगा। साफ साफ हमें दिख रहा है कि 2 की पावर ही बन सकता है। देखिएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64। 6 टाइम्स आ रहा है, तो मतलब 2 की पावर 6 की पावर 1/6। अब क्या होता है? 6 से 6 कैंसिल आउट, रिमेन 2, एंड दिस इज आर आंसर। देखिए कैसे सॉल्व करा हमने इसको सिंपल तरीके से। इसको नोट डाउन कर लीजिए जल्दी से। देखिए हमारा 30th क्वेश्चन क्या कह रहा है, सिंपलीफाई करना है हमें। सिंपलीफाई करना है, ऐसे क्वेश्चन जब आए जहाँ पे 2 से 3 ब्रैकेट हो, तो क्या करना होगा हमें? हम पहले अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, ठीक है? अंदर वाला ब्रैकेट है ये, इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। बाकी चीजें आपको एज इट इज रखनी है, कोई भी गलती नहीं करनी। 5 एज इट इज। नाउ देखिए, क्या मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकती हूँ? बिल्कुल लिख सकती हूँ, 1/3। एक और ब्रैकेट बना लेते हैं, ठीक है? 2 की क्यूब 1/3 प्लस 27 को 3 का क्यूब लिख सकती हूँ। यही तो हमें देखना होता है ऐसे क्वेश्चन में। क्या देखना होता है? कि हम कैसे 1/3 को खत्म करें। तो 3 का क्यूब लिख दिया मैंने इसे, खत्म ये स्टेप। अब ऊपर क्या था? क्यूब, तो वो क्यूब एज इट इज रहेगा। फिर उसके ऊपर क्या था? 1/4, तो वो 1/4 एज इट इज रहेगा। हुआ क्लियर पहला स्टेप? नाउ अंदर ही सॉल्व कर रहे हैं अभी। 3 से 3 खत्म, 3 से 3 खत्म, क्या बचा? 2 प्लस 3, 5। डायरेक्ट 5 लिख दो, और 5 का क्या हो रहा है? क्यूब, और पूरे का क्या हो रहा है? 1/4। अब देखना यहाँ पे 5 की पावर 1 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये ब्रैकेट का मतलब यही होता है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है? एड। 5 की पावर 1 प्लस 3, 4, और इसकी पावर 1/4। 4 से 4 कैंसिल आउट, आंसर इज 5। देखिए कितना इजी क्वेश्चन था। सारे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है भाई। एनसीईआरटी में आपने अगर पढ़ लिया है, एनसीईआरटी को अच्छी तरीके से आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया है, तो इन क्वेश्चंस में कोई दिक्कत ही नहीं होगी। बस यहाँ पे सॉल्व करने के तरीके को ध्यान रखिए, कैसे मैं सॉल्व कर रही हूँ, स्टेप बाय स्टेप कैसे चल रही हूँ, ठीक है? इसको नोट डाउन कर लीजिए। देन तो ये थे हमारे 27 से लेकर 30 तक क्वेश्चन। आपको किसी भी क्वेश्चन में 1 to 30 किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, आप नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे कनेक्ट कर सकते हैं। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मोर ओवर, आपने अगर पहले वाले क्वेश्चंस नहीं पढ़े हैं, तो वो जाके आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। मेरे नाम की प्लेलिस्ट आपको अलग से मिल जाएगी, या फिर आपको मैं एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जिसके थ्रू आप देख सकते हैं उसे। कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट अपना पुटअप कर सकते हैं, मैं सारी क्वेरी सॉल्व करूंगी आपकी। और अगर आपको मेरा पढ़ाया यूजफुल लगता है, यू वांट टू सपोर्ट मी, तो सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि इस चैनल को सब्सक्राइब करके माई गुरुजी स्क्वाड के साथ जुड़े, और अपनी अकेडमिक की तैयारी अच्छी तरीके से करें। तो हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 31 से। तब तक के लिए Keep practicing, keep doing hard work. Till then, ta-da!